दोस्तों, अगर आप एक CSC BLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप CSC के माध्यम से आधार सेवा केंद्र कैसे ले पाएंगे, आपको CSC के माध्यम से किस तरह से आधार सेवा केंद्र दिया जा रहा है। ये आज की इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको CSC के माध्यम से जो आधार सेवा केंद्र का पोर्टल मिलेगा, उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप आधार अपडेट का काम कर सकते हैं, आधार वेरीफाई कर सकते हैं, आधार डाउनलोड फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, आधार डाउनलोड OTP से कर सकते हैं, आधार अपडेट रिपोर्ट यहां से आप देख सकते हैं, आधार लोकेट सेंटर आप यहां से देख सकते हैं। आपको जो आधार अपडेट का जो पोर्टल है, उसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप मोबाइल पर ओपन कर लें, चाहे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को भी मिल जाएगा। दोस्तों, आधार सेवा केंद्र लेने के लिए पूरा प्रोसीजर क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि इसी तरह की और भी हेल्पफुल जो वीडियो हो उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये आधार सेवा केंद्र का जो पोर्टल है, इसकी सच्चाई के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, सभी BLE किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े हुए होंगे, जिनमें इस तरह के आपको बहुत सारे मैसेज देखने को मिल रहे होंगे ग्रुप में, कि आपको अगर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लेना है तो आपको 1500 रुपये देना होगा, अगर आपका जो CSC है वो अप्रूव नहीं हुआ है इसके लिए आपको 1500 रुपये देना होगा, IIBF सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं तो 1400 रुपये देना होगा, अगर आधार करेक्शन की ID आपको चाहिए होगी तो 4500 रुपये। ये चार्ज आपको ज़्यादा या कम भी हो सकता है, TSC एग्जाम के लिए 1500 रुपये का चार्ज भी हो सकता है। ये चार्ज वो हैं कभी कम या कभी ज़्यादा भी देखने को मिलते होंगे आपको ग्रुप में जो मैसेज आते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो मैसेज हैं, इस तरह के मैसेज अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको इन मैसेजों को इग्नोर कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो मैसेज हैं इसके माध्यम से फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जो भी ये सर्टिफिकेट हैं, चाहे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट हो या TSC एग्जाम हो, IIBF सर्टिफिकेट हो, ये किसी और के द्वारा आपको नहीं दिया जाता है। इनके लिए आपको खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्जाम देना होता है, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिल पाते हैं। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको जो CSC है अप्लाई कर पाएंगे। CSC अप्लाई करने के बाद वो खुद से ही अप्रूवल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका CSC अंडर रिव्यू में है और अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप अपने CSC के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे, या फिर CSC के जो स्टेट हेड हैं उनसे आपको संपर्क कर लेना है, आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आप किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, ना ही किसी को कोई भी पैसा देना है। आधार करेक्शन आईडी की अगर बात करें, तो जो इसका ऑफिशियल तरीका होता है आधार सेवा केंद्र लेने का, जो रियल प्रोसेस होता है, वो आपको CSC के माध्यम से ही होगा। दोस्तों, आधार सेवा केंद्र का जो रियल प्रोसेस है, जो ऑफिशियल तरीका है लेने का, वो आप CSC के माध्यम से ही ले पाएंगे। अन्य किसी भी तरीके से अगर कोई आपको वादा करता है या कोई आपका पोर्टल जनरेट कर भी देता है, तो वो एक जो डैशबोर्ड होता है वो फ्रॉड होता है, वो कुछ कोई भी ऑफिशियल तरीका नहीं होता है। वो एक तरह से आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। आप उनको पैसा दे देंगे, जिसके लिए वो 4000, 3000, 5000, 10000, 15000 इस तरह का आपसे चार्ज ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अमाउंट पहले देना होगा। उसमें आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड बना के आपको आईडी क्रिएट करके आपको दिखा देंगे। वो बिल्कुल ही फ्रॉड होता है, वो डैशबोर्ड वर्क नहीं करता है, ये बिल्कुल फ्रॉड होता है। आप इस तरह के झांसे में ना पड़ें। जो आधार सेवा केंद्र लेने का जो ऑफिशियल तरीका होता है, वो CSC के माध्यम से ही आपको मिलेगा। लेकिन आपको CSC मिल जाने के बाद पहले बैंक BC पॉइंट लेना होगा। दोस्तों, जब आपको CSC के माध्यम से बैंक BC मिल जाएगा, उसके बाद ही आप आधार UCL के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बता दूं कि अभी CSC के माध्यम से आधार UCL का जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद चल रहा है। जैसे ही आधार UCL का रजिस्ट्रेशन CSC के माध्यम से होना स्टार्ट हो जाएगा, हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, उसको देखकर आप आसानी से अपना आधार UCL यानी आधार जो सेवा केंद्र है आपको मिल जाएगा, और आप आधार सेवा केंद्र का काम कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आपने अगर अभी तक CSC नहीं लिया है, तो आप CSC लेकर बैंक BC CSC के माध्यम से ले लीजिए। बैंक BC लेने के लिए आपको एक IIBF सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। IIBF सर्टिफिकेट, TSC सर्टिफिकेट, ये सारी सर्टिफिकेट कैसे लेना है, कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप चैनल पर जाकर देख लेना, उस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों, यही एक ऑफिशियल तरीका होता है आधार सेवा केंद्र लेने का, नहीं तो दोस्तों आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ।